वेलकम बैक एल एच टी वी इंडिया की एक नई वीडियो में आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक फिर ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज से अगले तीन दिनों तक यूपी के इन जिलों में लगातार बरसेंगे बादल। आईएमडी ने अभी अभी जारी की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अगले तीन दिनों तक लगातार बरसेंगे बादल और किन किन जिलों में आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगस्त से लेकर सितंबर तक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन दिनों यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से अगले तीन दिनों तक अब राहत के आसार जताए हैं। दरअसल यूपी में सितंबर की शुरुआत से ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है। उमस और तेज धूप से ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। अब मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की ओर से जारी अपडेट के अनुसार अगले चार दिनों तक लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि फिलहाल जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान बना हुआ है अब ये स्थिर रहेगा, इसमें और बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मौसम ने करवट ली और कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार कल से लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कल से अगले तीन दिनों तक प्रदेश भर में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। कहा है कि ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है, कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बादलों की आवाजाही चल रही है, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन धूप तेज होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आपको बता दें कि तेज धूप और उमस बरकरार, कहर बरपा रही है। दिन भर कड़कती धूप, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी करा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कल से उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि लखनऊ समेत कई ऐसे जिले हैं जिनमें तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी और प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बरसात देखने को मिलेगी। अगर बात करें किन जिलों में कैसा रहा तापमान, तो आपको बता दें सर्वाधिक तापमान कानपुर में 39 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी आपको बता दें कि 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे कम तापमान बरेली में 25 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज लखनऊ और आसपास के जिलों में मौसम साफ है, लेकिन कल से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी और ये 3-4 दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की अब गिरावट दर्ज की जाएगी। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर कमजोर अल नीनो और हिंद महासागर पर सीमित सकारात्मक हिंद महासागरीय ध्रुव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान अब तक प्रदेश में समय के तौर पर कुल 496.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 593.1 मिलीमीटर के सापेक्ष दीर्घकालीन औसत से 16% कम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।